हाय फ्रेंड्स, 3 दिन से हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, दिन रात बारिश हो रही है। और मैं सोची कि आज आपको सुबह सुबह मैं एक रेनी ओवरव्यू दे दूँ तो मेरे गार्डन की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सबसे ख़ास बात दिखाना चाहती हूँ, और ख़ास बात है ये खूबसूरत सा हाइबिस्कस का फ्लावर खिला है। कितना सुंदर लग रहा है देखिए। और ये मेरे कैप्सिकम्स देखिए, इनको भी बारिश में बहुत मज़ा आ रहा है। और ये मेरे सारे टमाटर्स, टमाटर के पौधे देखिए मेरे। बहुत अच्छी टमाटर लगी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स, मैं अभी आपको मेरे यूफोर्बिया मिली का प्लांट दिखाती हूँ। इसमें भी बहुत अच्छी अभी फ्लावरिंग हो ही रही है। और ये मेरा कैलेंचो का प्लांट, इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो गई है तो मैंने कुछ स्टेम्स निकाल दिए हैं, खिले हुए फ्लावर्स के स्टेम्स। और ये मेरा रेन लिली देखिए, ज़्यादा ही बारिश इसमें पड़ गया है तो ये झुक गया है। धूप निकलने से ये फिर से सीधा हो जाएगा पत्ता। और ये रोइयो का प्लांट भी बहुत फ्रेश हो गया है। ये मेरा और एक हाइबिस्कस का प्लांट, वैसे बारिश में सारे पौधे जो है ताज़े हो गए हैं। बारिश के पानी में बहुत न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ये देखिए मेरे बैंगन के प्लांट में कितने अच्छे बैंगन लगे हुए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बारिश से बचाने के लिए मैंने अपने सारे पॉट्स को इस तरफ रख दिया है शेड के अंदर। मेरा खीरे का पौधा, भिंडी, ये और एक भिंडी, और ये एडिनियम्स के प्लांट को तो बारिश से बचाना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से सारा कुछ जो है यहाँ पे बिखरा हुआ है। और ये मेरा गुलाब का पौधा, इसमें बहुत सारे बर्ड्स आए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये मेरा पुदीना का प्लांट देखिए कितना फ्रेश और ग्रीन लग रहा है। मैं आज सोच रही हूँ कि इसके कुछ स्टेम्स निकाल के मैं इनको फिर से प्रोपोगेट करूँ, और कुछ पत्ते मैं आज चटनी भी बना लूँगी। और जब हम काट देंगे तो फिर से ये प्लांट जो और भी घना बन जाएगा, बहुत नए नए ब्रांच निकलेंगे, तो फ़ायदा ही करता है जब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है देखिए, एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह ही लग रहा है। इसको हम हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। ये मेरे मनी प्लांट को मैंने ऐसे बाहर थोड़ा सा बारिश के पानी में थोड़ा सा रख दिया है। और ये मेरा सक्यूलेंट है। फ्रेंड्स, बारिश का पानी आपको पता ही है कि प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदा करता है, तो मैंने वैसे मेरे बाकी सक्यूलेंट्स भी मैंने बारिश में रखे हैं, बस कुछ देर के लिए ताकि पत्ते भीग जाएं। ओवर वाटरिंग होने नहीं दिया है मैंने, बस पत्तों को थोड़ी सी अच्छी पानी मिल जाए। और ये देखिए, ये मेरा कॉर्न, इसको मैं इंडोर रखती हूँ तो इसको भी मैं बाहर लेके आई। फ्रेंड्स, मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे जो ये
पॉन्ड्स गॉड में देखिए ये एक लगा हुआ है तोरी, देखिए छोटा सा कितना अच्छा लगता है ना। बहुत खुशी हुई है मुझे देखकर इसको। फ्रेंड्स, मैं आपको एक खूबसूरत सा फर्न दिखाने वाली हूँ जो मेरे वॉल में खुद ब खुद उगते रहता है। ये देखिए कितना सुंदर फर्न है, पत्ते देखिए आप इसके, ऐसे खुद ब खुद होते रहता है ये देखिए। और बारिश होने के कारण ये और भी अभी खिल गए हैं, फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 दिन से हमारे यहाँ बारिश हो ही रही है। और मुझे पता नहीं ये फर्न हम ऐसे हाउस प्लांट्स की तरह लगाते हैं कि नहीं, अगर किसी को इस फर्न का नाम पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। लेकिन जो भी है ये फर्न बहुत ही सुंदर है। ये मेरे फाइलोडेंड्रॉन का ग्रोथ देखिए आप, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे इस बांस में बांध दिया था, तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर प्लांट है। इसको अभी ये ऐसे झुक गया है तो इसको भी यहाँ बांध देना पड़ेगा, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं इसके। तो फ्रेंड्स, चलती हूँ आज के लिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।